नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब वर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 को लेकर दोस्तों एक और बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है कि ललित सर की बेंच के अंदर 69,000 का जो मामला है वो लग चुका है। ऐसे में आप सभी को बताया कि इससे पहले एक मामला 12 तारीख को लगा था, जहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताया कि बीएड को चैलेंज किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि 31,000 की नियुक्ति क्यों दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीएड पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना बाकी है, तो ऐसे में बीएड को नियुक्ति ना दी जाए। लेकिन उससे पहले आपको पता है तमाम स्टे एप्लीकेशन और फाइल की गई हैं, डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो वो मामले भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुके हैं। दूसरी तरफ 69,000 के लिए अच्छी खबर आप सभी को पता है कि मोहन सर की वापसी हुई है, तो सारी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 69,000 भर्ती को लेकर कल से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि 69,000 के ऑर्डर के संबंध में है। पहली चीज़, मोहन सर की वापसी हुई। सुबह मैंने आपको जानकारी दी कि जल्द आपका ऑर्डर आ सकता है, ऐसी सूचना अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली। शाम तक मोहन सर भी आ गए। अब ऐसे में मोहन सर जल्द दोस्तों किसी कॉलेजिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस दिन बैठेंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, और जिस प्रकार बैठेंगे उसके बाद ही आपका जो ऑर्डर है वो भी जल्द यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और है जो कि है 231,661 का। सरकार इस पर नियुक्ति कराना चाहती है, लेकिन ऐसे में आपको पता है कि स्टे एप्लीकेशन की जो सुनवाई होने वाली है वो 12 तारीख को होनी है, 12 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले यहाँ जो मामला है वो लग चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आपसे यहाँ पे देख पाए कि जो अनिश कुमार की याचिका थी, इसकी सुनवाई 12/10/2020 को लगी थी। अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान भी थे कि काफ़ी लंबी तारीख लगी है, लेकिन ऐसे में अब 31,661 को नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसले का दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फैसला मतलब कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, क्या 31,000 भर्ती होनी चाहिए, या फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर सरकार को इंतजार करना चाहिए, या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन देने लायक जो चीज़ें होंगी वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे एक और एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो कि आप सभी के सामने है, 7/10/2020 को लिस्टेड हो गई है। मामला दोस्तों आप सभी के सामने है, हालांकि डेट टेंटेटिव है, हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन उम्मीद है ऐसी कि 5 तारीख को ललित सर बैठ रहे हैं। अगर 6 को नहीं बैठेंगे तो 7 को बुधवार को बैठने की प्रबल संभावना भी है। मैंने आपको कल परसों बताया भी था कि यहाँ पर जो डायरेक्शन एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई 7 तारीख को आपको देखने के लिए मिल सकती है, मतलब कि बुधवार को। तो ऐसे में दोस्तों 69,000 का एक मामला 7 तारीख को लग गया है, तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि 31,000 की जो नियुक्ति का प्रोसेस है या उनको जो नियुक्ति मिलने वाली है वो दोस्तों इस सुनवाई के बाद ही कंफर्म होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से ना तो अभी तक शेड्यूल जारी किया गया है, ना ही चयन सूची जारी हुई है, तो कम से कम अभी इस प्रोसेस में 10 दिन का समय लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, दिल्ली के अंदर एनसीबीसी में सुनवाई होने वाली, जो कि आज 3 बजे से शुरू होगी। क्योंकि अगर एनसीबीसी से हरी झंडी मिलेगी तभी वहां से भर्ती से स्टे हटेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला ललित सर की बेंच के अंदर लिस्टेड हो गया 7 तारीख को, अगर ऐसे में मोहन सर बैठते हैं तो और भी 200 पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि जो 7 तारीख की कॉज लिस्ट है वो अभी जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है, जो कि 7 तारीख को सुनवाई होगी, और इसके अंदर भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा 24/7/2020 को जजमेंट डिजर्व किया गया था उसी बेंच के माध्यम से। तो ऐसे में हो सकता है कि मोहन सर की जो वापसी हुई है वो शायद 7 तारीख को बैठकर इस मुद्दे को एक साथ सुने और वहां से ऑर्डर के बारे में भी जानकारी निकलेगी। क्योंकि याचिका के अंदर ये भी पूछा गया है कि ऑर्डर कब तक आ सकता है, अगर जल्द आ सकता है तो दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार भर्ती कराने के लिए तैयार हो रही है, जो कि 31,000 पदों पर है। अगर ऑर्डर आ जाता है तो 67,867 को एक साथ नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। यह थी दोस्तों अभी अभी के लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जल्द आपको अच्छी खबर भी मिलने वाली। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।